आज से ही छठ पूजा की शुरुआत हो चुकी है। आस्था के इस पर्व को मनाने की परंपरा सतयुग से चली आ रही है। त्रेता युग में भगवान श्री रामचंद्र जी ने और द्वापर युग में द्रौपदी ने सूर्य की आराधना की थी। बता दें, इस त्योहार को सूर्य षष्ठी के नाम से जाना जाता है। वही छठ पूजा के दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा भी की जाती है। वही छठ पूजा का पर्व आरोग्य, समृद्धि और संतान के लिए रखा जाता है और ये 36 घंटे का निर्जला व्रत होता है। मान्यता है कि इस व्रत से अमोघ फल की प्राप्ति होती है। नहाय खाय से छठ पूजा की शुरुआत होती है और इस दिन व्रती नदी में स्नान भी करते हैं और इसके बाद सिर्फ एक समय का ही खाना खाया जाता है। इस बार नहाय खाय की शुरुआत आज यानी कि 28 अक्टूबर से हो रहा है। वही दूसरे दिन खरना यानी कि कल खरना है और छठी मैया की पूजा का दूसरा दिन खरना कहलाता है। इस दिन विशेष भोग तैयार किया जाता है और इसके लिए ही शाम को मीठा खीर या फिर लौकी की खिचड़ी खाई जाती है। वही इस महाव्रत का तीसरा दिन दूसरे दिन के प्रसाद के ठीक बाद से ही शुरू हो जाता है। आपको बता दें कि इस साल 2022 में खरना 29 अक्टूबर को है। तीसरा दिन अर्घ छठ पूजा की एक एक विधि और नियम कायदे का अपना अलग धार्मिक और पौराणिक महत्व होता है। इस महापूजा के तीसरे दिन की भी अपनी अलग महिमा होती है। वही पूजा के तीसरे दिन शाम के समय भगवान सूर्य को अर्घ देने की परंपरा है और इसी दौरान सभी व्रती श्रद्धालु अपनी अपनी बांस की टोकरियों में पूजा सामग्री के साथ फल, ठेकुआ और चावल के लड्डू भी रखते हैं। इसी दौरान पूरे अर्घ के सूप को भी सजाया जाता है। जब पूरे विधि विधान से पूजा हो जाती है तो फिर सभी व्रती अपने परिजनों के साथ मिलकर अस्ताचल सूर्य यानी कि डूबते हुए सूरज देवता को अर्घ देते हैं, यानी कि इस दिन डूबते सूर्य की उपासना की जाती है। छठ पूजा का पहला अर्घ इस साल 30 अक्टूबर को दिया जाएगा और इस दिन सूर्यास्त का समय 5:34 से शुरू होगा, इसलिए इस समय को जरूर नोट कर लेना चाहिए सभी को। और चौथे दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है। ये अर्घ लगभग 36 घंटे के व्रत के बाद दिया जाता है। बता दें 31 अक्टूबर को उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाएगा और इसी दिन सूर्योदय 6:27 पर होगा। इस उगते सूर्य को अर्घ देने के बाद ही इस विराट महापर्व और छठ मैया के व्रत का समापन होता है।